हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज के एक न्यू वीडियो के साथ एंड साथ ही साथ सिखाएंगे आपको कुछ इस तरह की एडिटिंग। स्नैपसीड एप्लीकेशन से आप अपना फेस को गोरा कैसे कर सकते हैं और फेस को स्मूथ कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी ऐसी एडिटिंग सीखनी है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, ये ओपन हो चुका है। अब हमें सिंपल से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से हम इस वाली इमेज को लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आ चुकी है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, हमको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से ट्रेन इमेज वाले ऑप्शन में जाना है और इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे हम, और यहाँ से इसके कंट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे और यहाँ से इसके एम्बियंस को इंक्रीज करेंगे इतना। और फ्रेंड्स, यहाँ से कर देंगे हम राइट क्लिक। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सिंपल से फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम अपने फेस पर थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज करेंगे कुछ इतनी, जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको भी सेम ऐसा ही करना है। तो फ्रेंड्स, मैं कर लेता हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स, ये इतना हो चुका है। अब यहाँ से करते हैं हम राइट क्लिक। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आना है डिटेल्स वाले ऑप्शन पर और यहाँ से इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे इतना और यहाँ से हम कर देंगे राइट क्लिक। अब फ्रेंड्स, आपको जाना है फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर और यहाँ से जाएंगे हम हीलिंग वाले ऑप्शन पर। जो फ्रेंड्स हम इसको जूम करते हैं, जो फेस पर तिल दिखाई दे रहे हैं हम उनको रिमूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हल्के हल्के हाथ से ऐसे करके अपने फेस से रिमूव कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रिमूव हो चुके हैं। अब यहाँ से करते हैं हम राइट क्लिक। अब फ्रेंड्स, आपको सिंपल से क्या करना है, टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से जाना है आपको लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पर। तो फ्रेंड्स, ये आ चुका है। अब यहाँ से हम इसे जीरो पर कर लेंगे, इसकी ट्रांजेक्शन को जीरो कर देंगे और इसकी ब्लर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे इतना और इस बिंदु को पकड़ के ऐसे करके नीचे कर देंगे और यहाँ से कर देंगे हम इसकी विंटेज स्ट्रेंथ को भी कर देंगे हम जीरो और यहाँ से कर देंगे हम राइट क्लिक। अब फ्रेंड्स, आपको सिंपल से क्या करना है, इस वाले एरो वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। अब फ्रेंड्स, आपको लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, इसे रखना है 75 पर और अपने फेस पर कुछ इस तरह से अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा फेस स्मूथ हो रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपको भी सेम ऐसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसे। तो फ्रेंड्स, ये हमने कर लिया है। अब यहाँ से कर देंगे हम राइट क्लिक और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से बैक चले जाना है। अब फ्रेंड्स, आपको ये ब्लैक ब्लैक सा जो दिखाई दे रहा है, अब इसे हम शेयर करेंगे लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड्स, हमको सिंपल से क्या करना है, इस लाइट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और यहाँ से इसके कंट्रास्ट को भी इंक्रीज करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमको कलर्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है और इस यहाँ से इसके टेम्प को 10% बढ़ाएंगे और टिंट को भी 10% बढ़ाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमको आ जाना है मिक्स वाले ऑप्शन पर और यहाँ से इसकी ह्यू को इंक्रीज करेंगे और सेचुरेशन को भी इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे हमको इस वाले ऑप्शन पर आके इसकी ह्यू को इंक्रीज करना है और यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी इंक्रीज करना है। फ्रेंड्स, अब हमको येलो वाले ऑप्शन पर आके इसकी भी ह्यू को इंक्रीज करेंगे और सेचुरेशन को भी इंक्रीज करेंगे। अब फ्रेंड्स, आपको सिंपल से आना है इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से हम करेंगे अपने फेस को वाइट इतना, आपको जितना सही लगे आप कर सकते हैं, मैं इतना कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इतना हो चुका है। अब यहाँ से हम कर देंगे डन। अब फ्रेंड्स, आपको आ जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इसके टेक्स्चर को इंक्रीज करेंगे और इसके क्लियरिटी को भी इंक्रीज करेंगे। फ्रेंड्स, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, और इसकी रिडनेस को 50 पर कर देंगे। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है,
सिंपल से आ जाना है डिटेल्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से इसकी शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और यहाँ से डिटेल्स को इंक्रीज करेंगे 30 तक, और यहाँ से नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करेंगे इतना, और यहाँ से इसकी डिटेल्स को इंक्रीज करेंगे, और यहाँ से कलर नॉइस रिडक्शन पर क्लिक करके इसकी स्मूथनेस को कर देंगे फुल। तो फ्रेंड्स ये इतना हो चुका है, अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से हमारा फेस स्मूथ हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपको सिंपल से क्या करना है, इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कर लेना है फोटो को शेयर। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ सके। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो आज के लिए बस इतना ही।